इस वीडियो में हम उन छोटे छोटे प्रॉब्लम को फिक्स करने वाले हैं। जब हम VPS बनाएंगे तो हमारे साथ वो प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है, और खास करके बिगनर्स के लिए वो छोटा प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। इसलिए हम खास करके इस वीडियो को बिगनर्स को देखते हुए बनाए हैं, क्योंकि ज़्यादातर उन लोगों ने मेरे कोर्स को परचेस किया है जिन्होंने आज तक Azure पोर्टल कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। उन्हें इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है कहाँ से चीज़ें कौन सी मैनेज होती है। तो मैं इस वीडियो में कुछ स्पेशल सिखाने वाला हूँ इस पोर्टल के बारे में और अपना VPS के बारे में, कैसे हम इसे बनाएंगे, अगर IP ना आए तो कैसे हम उसमें IP लाएंगे, IP कैसे चेंज करेंगे, और अगर 8 GB रैम वाला VPS है तो हम उसे 32 GB में कैसे कन्वर्ट करेंगे बिना डिलीट किए। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहला काम, जब हम यहाँ से अपना VPS बनाएंगे यानी कि अपना RDP बनाएंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हम अपना ओरिजिनल मशीन का नेम टाइप करते हैं, फिर नीचे स्लाइड, यहाँ पर नो, और यहाँ पर हमारा है 8 GB सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट में। यहाँ पर टाइप करते हैं यूज़र नेम, यहाँ पर पासवर्ड, फिर यहाँ पर इसी पासवर्ड को कन्फर्म, और करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। यहाँ पर लेते हैं हम कोई सा भी डिस्क, फिर करते हैं नेक्स्ट, और करते जाते हैं नेक्स्ट कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर होगा वैलिडेशन पास। फिर यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से अपना VPS डिप्लॉय कर देते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल कुछ इस तरीके से ही आप अपना VPS को डिप्लॉय करते हैं, यानी कि अपना VPS बनाते हैं। तो इसके बाद एक प्रॉब्लम आता है, कौन सा प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ आगे। जैसे कि हमारा VPS हो चुका है डिप्लॉय कम्प्लीट, और यहाँ पर क्लिक करते हैं गो टू रिसोर्स, और यहाँ पर हमें कोई भी IP एड्रेस नहीं मिला है जिससे हम अपना VPS में कनेक्ट कर सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू। होम में जाते हैं और यहाँ से भी दिखाते हैं आपको, यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का IP नहीं मिला है, और ये प्रॉब्लम आपके साथ कभी भी आ सकता है। तो हम इस चीज़ को कैसे फिक्स करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। होम में आने के बाद यहाँ पर सर्च करना है पब्लिक IP एड्रेस, यहाँ पर क्लिक करेंगे। वो IP नहीं क्रिएट होने का रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 3 IP बना हुआ है, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर केस में कब आता है ये, जब आपके पास ऑलरेडी 3 IP बना हुआ है तो आपका 4th IP नहीं बनेगा सेम लोकेशन में। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले से ही 3 IP को क्रिएट कर रखा है तो हमारा 4th IP नहीं बनेगा सेम लोकेशन में। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे यहाँ पर जितने भी IPs है इसे कर देंगे डिलीट, यानी कि हम सेम लोकेशन में 3 ही VPS को डिप्लॉय कर सकते हैं एक साथ। अगर 4 करेंगे तो उसमें हमें IP नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इन IPs को करेंगे डिलीट कुछ इस तरीके से, सेलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीट में, या फिर अगर आप एक को करना चाहो तो एक में टिक मार्क करेंगे, फिर यहाँ पर टाइप कर देंगे डिलीट, और यहाँ पर कर देंगे इसे डिलीट कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर हमें वेट करना है, तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर IP हो जाएगा डिलीट। फिर हमें यहाँ पर अपना एक IP एड्रेस कर लेना है क्रिएट, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट में, फिर यहाँ पर अपना ग्रुप को सेट कर लेंगे, हम जिस भी ग्रुप में इसे बनाना चाहते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर एक न्यू ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू, और यहाँ पर नेम टाइप कर देंगे ग्रुप का, फिर यहाँ पर कर देंगे इसे ओके, और फिर यहाँ पर अपना लोकेशन सेट कर लेंगे जिस भी लोकेशन में हमने अपना VPS को बनाया है। ध्यान रहे कि अगर हमने अपना VPS को USA में बनाया है तो हमें USA का बनाना है IP, अगर हमने इंडिया में बनाया है यानी कि हमने उसे इंडिया में होस्ट किया है तो हमें इंडिया का IP बनाना है, नहीं तो फिर नहीं काम होगा। मान लेते कि हमने बना लिया इंडिया का VPS और हम लगा रहे उसमें USA का IP, तो वह अटैच नहीं होगा। इसलिए आपको वो चीज़ ध्यान रखना है, आप जिस भी कंट्री का VPS बनाएंगे तो वही कंट्री का यहाँ पर IP बनाएंगे तभी वो अटैच होगा। हमने बनाया था इंडिया का, यहाँ पर सेट करेंगे इंडिया, फिर करेंगे नीचे स्लाइड, यहाँ पर कुछ भी नेम टाइप कर देंगे, फिर करेंगे नीचे स्लाइड, यहाँ पर कोई भी हमें चेंजिंग नहीं करना है, फिर करेंगे नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, और यहाँ पर होगा वैलिडेशन, फिर कर देंगे यहाँ पर क्रिएट, और यहाँ पर हमें कुछ सेकंड वेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ सेकंड के अंदर ही हमारा IP बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करते हैं गो टू रिसोर्स, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका IP कितना है लास्ट में 32, लेकिन ये अभी भी यहाँ पर अटैच नहीं हुआ है ये IP, हमें इसे अटैच करना है। वो कैसे करेंगे, होम में आएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे पब्लिक IP एड्रेस में, फिर यहाँ पर अपने IP एड्रेस को खोल लेंगे, और हमें यहाँ पर क्लिक करना है एसोसिएट, फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसे क्लिक कर देंगे नेटवर्क में, और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर इसे कर देंगे क्लिक, और कर देंगे यहाँ पर ओके। यहाँ पर हो रहा है सेविंग, हमें यहाँ पर कुछ मिनट वेट करना है, 1 से 2 मिनट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेव कंप्लीट। मैं आपको दिखाता हूँ VPS में जाकर, इसे करते हैं कट, फिर क्लिक करते हैं वर्चुअल मशीन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही IP एड्रेस आ चुका है जिसे हमने अभी अभी बनाया था। अब हम कर लेते हैं इसे कनेक्ट कुछ इस तरीके से, इसे करेंगे कॉपी, फिर रिमोट डेस्कटॉप को कर लेंगे ऑन, यहाँ पर टाइप करेंगे IP एड्रेस, यहाँ पर सो मोर, फिर यहाँ पर यूजर नेम, फिर क्लिक करेंगे कनेक्ट, यहाँ पर पासवर्ड, फिर ओके, फिर यस,
और हमारे सामने VPS कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपके सामने ये फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके से खुलेगा। मैं इसे खोल के क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम इसी VPS का इसको बिना डिलीट किए इसका साइज अपग्रेड करके दिखाएंगे, यानी कि इसको 8GB से 32GB करके दिखाएंगे। इसलिए हम इसको कनेक्ट करके दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए किस तरीके से यह काम करता है। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप चाहो तो इस परमिशन को अलाउ रख सकते हो या फिर इसे कर देंगे ऑफ अगर आपको नहीं देना है अपना एक भी डेटा। हम इसमें क्या एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसे कर देंगे ऑफ, फिर करेंगे यहाँ पर एक्सेप्ट। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से VPS खुल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉपर्टीज़, इसमें कितना रैम लगा हुआ है। यहाँ पर सर्च करते हैं टास्क मैनेजर, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं और कर लेते हैं इसे बड़ा। फिर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से खुल चुका है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मेमोरी कितना है 8GB। अब हम इसी VPS को 32GB में कन्वर्ट करके दिखाते हैं किस तरीके से हम इसे बिना डिलीट किए इसका रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर इसे करते हैं कट, इसे भी कर देते हैं कट। फिर हम आ चुके हैं अपने Azure पैनल में। होम में आने के बाद आपको क्या करना है, वर्चुअल मशीन में क्लिक करना है। फिर हमें जो भी वर्चुअल मशीन का साइज को अपग्रेड करना है उसमें क्लिक करेंगे यहाँ पर, फिर कुछ इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा और करेंगे नीचे स्लाइड। यहाँ पर एक ऑप्शन है साइज, हमें यहीं पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। हम चाहते हैं कि इस VPS को 32GB रैम में कन्वर्ट कर दे, तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ से कोई भी ले लेंगे 32GB वाला सीरीज। एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 16GB, ये 32GB दो कोर और ये है 32GB चार कोर। हमें लेना है कौन सा, 32GB चार कोर, तो इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर कर देंगे इसे रिसाइज और फिर यहाँ पर कर देंगे रिसाइज। तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से रिसाइज। हमें यहाँ पर वेट करना है 1 से 2 मिनट। तो हमारे सामने यहाँ पर हो चुका है यह कंप्लीट कुछ इस तरीके से रिसाइज वर्चुअल मशीन, और इसे करते हैं कट। फिर जाते हैं होम में, फिर वर्चुअल मशीन में क्लिक करते हैं और फिर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 32GB मेमोरी और 4 वर्चुअल CPUs। इसे हम दिखाते हैं कनेक्ट करके, ये वही IP है और वही मशीन। फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं कनेक्ट में, यहाँ पर टाइप करते हैं अपना पासवर्ड और फिर करते हैं यहाँ पर इसे ओके, फिर यहाँ पर यस। तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने खुलने लगेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने भी कुछ इस तरीके से ही खुलेगा। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जाकर टास्क मैनेजर में, यहाँ पर क्लिक करते हैं टास्क मैनेजर में, फिर इसे कर लेते हैं बड़ा और यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका मेमोरी कितना है 32GB, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से मेंशन है, मैक्सिमम मेमोरी 32GB। और हम दिखाते हैं इसका वर्चुअल CPUs, उसके लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका वर्चुअल CPUs कितना है 4। तो हम कुछ इस तरीके से अपना VPS को बिना डिलीट किए इनका साइज को अपग्रेड कर सकते हैं, इनका साइज को कम कर सकते हैं। हमारा एक भी डाटा लॉस्ट नहीं होता है इससे। अगर हम इसमें कोई भी काम कर चुके हैं तो वो डाटा हमारा लॉस्ट नहीं होगा। इस तरीके का अकाउंट में, यानी कि ये जो है स्टूडेंट डेवलपर पैक वाला अकाउंट, जिसे मिलते हैं हमें $100। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम अपना वर्चुअल मशीन मैक्सिमम 32GB वाला बना सकते हैं और जिसमें 4 वर्चुअल CPUs होगा। हम 64GB वाला नहीं बना सकते हैं, ना ही इसमें हम कोई ग्राफिक कार्ड वाला बना सकते हैं। पहले था लेकिन कुछ लोग इसे माइनिंग के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो फिर Azure वालों ने उस सीरीज को हटा दिया है स्टूडेंट वाले अकाउंट में। यहाँ पर हमें मिलेंगे मैक्सिमम कितना 32GB और 4 कोर। अब हम आपको दिखाते हैं अपना VPS को बिना डिलीट किए उसका IP कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जाकर वर्चुअल मशीन में, हम चाहते हैं कि इसे बिना डिलीट किए इसका हम IP चेंज करें, तो वो कैसे करेंगे। होम में जाएंगे, फिर यहाँ पर सर्च करेंगे पब्लिक IP और आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। हमने इस IP को वहाँ पर अटैच किया था, यानी कि जो भी IP वहाँ पर अटैच होगा हमारे वर्चुअल मशीन से, यहाँ पर आ जाएगा सभी का लिस्ट। मान लेते कि हमारा एक पैनल पर 3 वर्चुअल मशीन है, तो यहाँ पर 3 IP शो करेगा। हम चाहते हैं कि एक वर्चुअल मशीन का हम IP को चेंज करें, तो हम यहाँ पर अपना वर्चुअल मशीन का IP को नोट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर ये वाला IP है। फिर यहाँ पर जाकर हम फाइंड करेंगे हमारा कौन सा यहाँ पर IP अटैच है उस वर्चुअल मशीन से। यहाँ पर आ जाएगा IP एड्रेस, जैसे कि हमारा यही वाला IP एड्रेस अटैच है वहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर करेंगे ऐसे DSOSET, फिर यहाँ पर करेंगे ऐसे यस। तो हमारा IP वहाँ पर जो अटैच है वो हट जाएगा, फिर कर देंगे यहाँ पर नो। यहाँ पर हमें वेट करना है 1 से 2 मिनट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह टास्क कम्प्लीट हो चुका है, इसे करते हैं कट। होम में जाते हैं, वर्चुअल मशीन में जाकर देखते हैं IP हटा के नहीं, यहाँ से IP हट चुका है। फिर जाएंगे होम में, फिर जाएंगे पब्लिक IP एड्रेस, यहाँ पर हम एक दूसरा IP एड्रेस बना लेंगे जिसे हमें अटैच करना है। हम चाहे तो इसे फिर से
दोबारा उसमें अटैच कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें न्यू आईपी एड्रेस अटैच करें, तो उसके लिए हमें पहले एक आईपी एड्रेस क्रिएट करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट में, तो हमारे सामने कुछ इस तरह से हमारा पेज खुल जाएगा। यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप में आप चाहे तो इनमें से किसी भी ग्रुप को सर्च कर सकते हो जो आपके पास ऑलरेडी है, या फिर आप यहाँ से अपना ग्रुप को क्रिएट कर सकते हो न्यू, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी है, हम इसी को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे हम उसी लोकेशन को जिस लोकेशन में हमारा वर्चुअल मशीन होस्ट है। फिर करेंगे नीचे स्लाइड, यहाँ पर एक नेम टाइप करेंगे और फिर करेंगे नीचे स्लाइड। हमें इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, सीधा करेंगे नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट और फिर यहाँ पर करेंगे इसे क्रिएट। फिर हमें यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है गो टू रिसोर्स, तो हम डायरेक्ट यहाँ से उसे एसोसिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे आना है, मान लेते हैं कि आपने इसे कट कर दिया, तो हमें जाएंगे पब्लिक आईपी एड्रेस में क्लिक करेंगे, फिर हमने जो अभी आईपी एड्रेस क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। यहीं पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे एसोसिएट, और फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेंगे नेटवर्क और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर और कर देंगे ऐसे ओके, और हमें यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करना है। देखते हैं कितने टाइम में ये होता है सक्सेस। तो हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, होम में जाते हैं और देखते हैं कि न्यू आईपी एड्रेस अटैच हुआ है या नहीं। इसे करते हैं कट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू आईपी एड्रेस आ चुका है। इसे करते हैं कॉपी कुछ इस तरीके से, फिर जाते हैं रिमोट डेस्कटॉप में, इसे करते हैं रिमूव और इसे करते हैं पेस्ट। फिर यहाँ पर टाइप करते हैं इसी यूज़र नेम को, यहाँ पर कनेक्ट और यहाँ पर फिर से टाइप करते हैं अपना पासवर्ड, फिर करेंगे ओके और फिर यहाँ पर करेंगे यस। तो हम अपने उसी VPS में न्यू IP एड्रेस से एंटर हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ टास्क मैनेजर में जाकर, ये वही VPS है। यहाँ पर क्लिक करते हैं टास्क मैनेजर, फिर यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ये वही VPS है, 4 कोर और मेमोरी 32 GB। तो आप कुछ इस तरीके से अपने VPS को बिना डिलीट किए उसे घटाया बढ़ा सकते हैं, उसका IP को चेंज कर सकते हैं। अगर IP एड्रेस यहाँ पर ना आए तो उसमें IP एड्रेस लगा सकते हैं, और किस रीजन से नहीं आता है उसे भी हमने अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओल्ड अकाउंट है, कुछ लोग देखना चाहते हैं मेरा ओल्ड अकाउंट कि ये मेथड आपका वर्क करता है या नहीं, इसमें कितना बचा है $3 और इनका एक्सपायरी डेट, और ये अकाउंट बना है सिर्फ जीमेल आईडी से, नहीं कोई ईडी मेल से। ये जो मेरा मेथड है इस तरीके का पैनल बनाने के लिए, आपको नहीं लेंगे ईडी मेल यानी कि नहीं एजुकेशन मेल और नहीं कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, सिर्फ बनेंगे आपका जीमेल आईडी से। मैं आपको दिखाता हूँ न्यू अकाउंट जिसे हमने 1-2 दिन पहले बनाया था। हमने इस जीमेल आईडी में रिसेंटली अपना अकाउंट बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेल आया था, कितना तारीख का था, 12 दिसंबर, और मैं आज जो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ टुडे डेट 13 दिसंबर, यानी कि 1 दिन पहले। मैं आपको दिखाता हूँ अजूर में जाकर, हम यहाँ पर अपने पैनल में आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जीमेल आईडी, और मैं आपको दिखाता हूँ एजुकेशन में जाकर इसमें पूरा है कितना, $100 और एक्सपायरी डेट 12/12/2024, यानी कि 1 साल बाद। ये लेटेस्ट अकाउंट है, जिसको भी वो मेरा कोर्स लेना है अब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा विद इन 5 मिनट। और वो मेथड पेड है, वो फ्री वाला मेथड नहीं है। आप इस तरीके का अकाउंट अनलिमिटेड बना पाओगे और आपका RDP का टेंशन बिल्कुल हो जाएगा ख़त्म। फिर आप दूसरे को सेल करो या फिर अपना काम पूरा करो और आप पैसे कमाओ। और ये मेरा है एक ओल्ड अकाउंट। साथ में अगर इस अकाउंट का पैसा हो जाता है ख़त्म, यानी कि $100 जो मिलता है वो होता है ख़त्म, तो हम अपने पैनल को दोबारा रिन्यू भी कर सकते हैं, फिर से मिल जाएंगे हमें $100। उसके बारे में किसी दिन वीडियो बना देंगे किस तरीके से हमें अपने अकाउंट को रिन्यूअल करना है, यानी कि अगर आपका जिस भी अकाउंट में $100 हो जाता है ख़त्म तो उसे बिल्कुल फेंक नहीं देना है, उसे रखना है समेट के और हम करेंगे उसे रिन्यूअल। फिर से हमें मिल जाएगा $100 का क्रेडिट 365 दिन के लिए। वो वीडियो कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।